सो बिफोर वी मूव टू आवर वीडियो, आपको मैं अनअकैडमी प्लस पे अपने आने वाले कोर्सेज के बारे में बताना चाहूंगा। अनअकैडमी पर मेरा नया कोर्स चल रहा है 1 जून से 30 जून तक। इसमें हम लोग कंप्लीट इंग्लिश डिस्कस करेंगे, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सब कुछ डिस्कस होगा, ठीक है। 8 बजे इसमें क्लास हो रही है हमारी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। वन वर्ड और इडियम्स एंड फ्रेजेस का बैच है हमारा, जो कि 2 जून से 30 जून तक चलेगा, आप 16 जून तक चलेगा, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग इडियम्स और वन वर्ड्स का डिस्कशन कर रहे हैं, दोपहर के 3 बजे इसमें हमारी क्लास होती है। इसके अलावा अगर आप एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ना चाहते हैं तो 16 जून से नया बैच हमारा शुरू हो रहा है, 17 जून से, ये दोपहर के 3 बजे होगा और इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके मेरे बैचेस हो गए। इसके अलावा अगर आप मेरी डेली फ्री क्लास, ये एकदम फ्री होती है, इसका कोई चार्ज नहीं है, आप दोपहर के 1 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग का मॉक टेस्ट है, इसके अलावा इंग्लिश का मॉक टेस्ट 5 बजे होता है, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस हैं, जैसे कि टीम फोनिक्स बैच है 9 जून से शुरू है, सीटी ब्रह्मास्त्र बैच है 9 जून से शुरू है, संकल्प 1000 बैच है 9 जून से शुरू है, इसके अलावा आपका सफलता बैच है सीजीएल और सीएचएसएल के लिए 9 जून से शुरू है, आखिरी पड़ाव बैच है सीजीएल 2020 एग्जाम के लिए, जीडी बैच है, एमटीएस के लिए बैच है, स्टेनोग्राफर सीपीओ सभी एग्जाम्स के लिए बैच है। इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर्स चल रहे हैं। अगर आप एसएससी का सब्सक्रिप्शन 1 साल या 2 साल का लेते हैं तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, और 5850 में मिल जाएगा आफ्टर यूजिंग कोड AMANT। बैंक और एसएससी और रेलवे का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको सिर्फ 6660 में मिल जाएगा दोनों का सब्सक्रिप्शन, यानी 70% ऑफ चल रहा है रेलवे पे। अगर आप बैंक और एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 महीने और 24 महीने के सब्सक्रिप्शन लेने पर 6 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा, 9180 का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। और अगर आप बैंक, एसएससी, आरबीआई और रेलवे चारों एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप 14,395 रुपए में सभी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये सारे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको मेरा कोड AMANT का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसी के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा जो आपको स्क्रॉल में नीचे दिख रहा है उस पर मैसेज कर सकते हैं 8299117042। अगर आपका कोई सवाल होगा तो उसका मैं जवाब दे दूंगा। इसके अलावा अगर आप फ्री सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी तरीका है, आप एसएससी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कीजिए। हर संडे दोपहर 12 बजे कॉम्बैट होता है, जिसमें अगर आप 1 से 3rd तक रैंक आती है तो आपको फ्री अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिलता है। 4 to 10 रैंक पे 4 to 10 रैंक पे 75% ऑफ मिलता है, 11 to 50 पे 50% ऑफ मिलता है, और 51 to 500 पे 25% ऑफ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम चैनल मेरा नहीं ज्वाइन किया है तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको वीडियो की पीडीएफ, क्लासेस के लिंक, सारी चीजें मेरी जो भी अपडेट्स होते हैं वही मिलते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैं रील्स से आपको काफी वोकैबुलरी सिखा रहा हूँ, तो वहां पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए, रील्स इंस्टाग्राम पे, वहां पे आपको रील्स मिल जाएंगी, ठीक है, वोकैबुलरी से रिलेटेड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। आज मेरे साथ में हैं भैया चंद्रेश शुक्ला, और ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं 2016 से, एंड ही वाज सेलेक्टेड एज एन ऑडिटर फ्रॉम सीजीएल 2015, और उसके बाद इन्होंने सीजीएल 2016 से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की लाइफ कैसी होती है, प्रमोशन कैसे होता है, ज्वाइनिंग कहाँ होती है, क्या काम होता है, रेट कैसे होती है, सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और चूंकि इन्होंने ऑडिटर के पद पे भी काम किया है कैग में, तो आखिरी में हम इसे ये भी जानेंगे कैग में क्या कुछ सिस्टम रहता है, विच वन इज बेटर इफ यू हैव टू चूज, ठीक है। तो सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे। सो हेलो भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं। तो मैं बस व्यूअर्स से इतना कहूंगा कि देखो, इनसे मैं बहुत पहले से जानता हूँ, तो कभी मैं इनको भैया भी बुला देता हूँ और कभी मैं इनको भाई भी बुला देता हूँ, तो दोनों ही होता रहेगा। ओके, सो आप सीजीएल 2016 से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे सेलेक्ट हुए थे, तो अभी आप पोस्टेड कहाँ? मैं खंडवा मध्य प्रदेश में पोस्टेड हूँ, ये महाराष्ट्र बॉर्डर लगता है, लेकिन ज्यूरिसडिक्शनल अगर बात करें हम इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एमपी एंड सीजी जोन में आता है। एमपी एंड सीटी सीजी सीजी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ओके, मतलब वो जोन एक रखा हुआ है, शायद अलग हो गया, स्टेट ही जोन सेम रखा है अभी तक। हाँ, स्टेट अलग है पर इनकम टैक्स में भी सेम जोन है। ओके ओके, तो आप खंडवा में पोस्टेड हैं एमपी में, ठीक है, आप हैं तो कानपुर से, तो क्या मतलब आपको लगता है ये होम पोस्टिंग है या मतलब और कार्य पास होना चाहिए? नहीं, ठीक है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से काफी कुछ रहन सहन, खान पान, बोल चाल सब एक जैसा है,
और मैं बेसिकली कानपुर से हूँ, तो कानपुर लखनऊ और इस रूट में जो भी पढ़ते हैं उनके लिए तो थोड़ा सा बस ट्रैवल ही कुछ घंटे का पड़ता है, बाकी होम पोस्टिंग जैसा ही है। ठीक है, तो हम शुरू से शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी बच्चा इनकम टैक्स की पोस्ट पे सेलेक्ट होता है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे उसे पोस्टिंग मिलेगी, और कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी, तो क्या प्रोसेस है उसके बीच में, और कितना टाइम लग जाता है ज्वाइनिंग का रिजल्ट से ज्वाइनिंग का? मतलब हमारा तो बहुत लग गया, आप ये मान के चलिए कि जब अगर सारी चीजें रिजॉल्व है, क्योंकि हमारा तो अगस्त 2017 में टाइम रिजल्ट आ गया था और ज्वाइनिंग बहुत लेट हुई, बट स्टिल अगर देखिए जब सीजीएल का रिजल्ट अनाउंस होता है तो उसमें पोस्ट दे देता है, फिर ये डिपार्टमेंट पे ये डोजियर सारे फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के। अब डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है इनकम टैक्स का न्यू दिल्ली में एचआरडी विंग, तो उसमें डोजियर्स जाते हैं, वो स्टेट प्रेफरेंस के लिए ऑप्शन मांगते हैं, तो हमें सारे जोन्स में से अपनी प्रायोरिटी जो भी है उस हिसाब से ऊपर नीचे अपने जोन्स को उसमें फिल करके फॉर्म को भेजना होता है। उसके बाद में वो उनका जो 1.5 महीने का, 2 महीने का या 1 महीने का प्रोसेस है एलोकेशन का, एलोकेशन होता है आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी और उस पर्टिकुलर जोन में जो भी वैकेंसीज हैं हर कैटेगरी के, उस हिसाब से आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उसको कंसिडर करते हुए आपको दे दिया जाता है स्टेट। स्टेट को यहाँ जोन्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ जोन्स में 2 और 3, तो जोन मिलने के बाद में फिर वो कंसर्न जोन के जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफिस है वहां पर आपका डोजियर भेज दिया जाता है। फिर अब ये उस जोन की रिस्पांसिबिलिटी होती है कि आपको किस तरह से ज्वाइन कराए, तो इसमें भी 2 प्रोसेस हैं। एक होता है कि आपको प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफिस में जो उनका हेड ऑफिस होगा उस जोन का वहां पर ज्वाइन करा दिया जाएगा, फर्दर आपको फिर आपके पोस्टिंग प्लेस ऑफ पोस्टिंग का जो भी सिटी है उसमें भेज दिया जाएगा, तो इसमें टाइम कम लगता है। इसमें पहले ज्वाइनिंग हो जाती है, फिर 10 दिन 15 दिन हेडक्वार्टर में ज्वाइन करने के बाद में अगर आपको उस हेडक्वार्टर में पोस्टिंग मिली तो उसके किसी सेक्शन में भेज दिया जाता है, या फिर आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग का जो भी सिटी अलॉट हुआ है उसमें भेज दिया जाता है। हमारे यहाँ MP and CG जोन में जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग का सिटी है वहाँ भेजते हैं डोजियर्स को प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ऑफिस, और वहाँ आपका जो भी सेक्शन होगा उस हर सेक्शन को किसी कमिश्नर के अंडर में रखते हैं, तो इंस्पेक्टर की ज्वाइनिंग अथॉरिटी होती है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, तो वहाँ से ज्वाइनिंग लेटर इशू होता है और आपको 30 दिन का टाइम दिया जाता है, उसमें आप जा करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा आपने एक चीज मुझे नहीं समझ आई, जब आपने बोला कि डोजियर जाते हैं एचआरडी विंग में ऑफ इनकम टैक्स, राइट? इनकम टैक्स का ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट विंग है दिल्ली में, समझ गए, वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक चीज ये, मतलब आपने काफी नई चीज बताई मुझे, जैसे कि मान लीजिए हमने स्टेट वाइज, तो हमारा ये तो मैं सभी को बता दूं कि हर डिपार्टमेंट का होता है, इट्स नॉट अबाउट ओनली इनकम टैक्स, बैंक में भी ऐसा होता है, हर जगह यही होता है कि वो जो जोन्स होते हैं वो कभी भी स्टेट्स के अकॉर्डिंग नहीं बटे होते हैं, उनके अलग अलग होता है। तो जैसे कानपुर जोन भी है अलग, राइट? कानपुर अलग है, यूपी 2 जोन्स में है, यूपी 2, एक का हेडक्वार्टर कानपुर है, दूसरे का लखनऊ है। लखनऊ है, तो अच्छा फिर मान लीजिए आपने कहा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जोन है, तो ये तो बहुत बड़ा होगा शायद, तो क्या फिर मतलब कोई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हुआ है तो क्या फिर तो छत्तीसगढ़ में भी ज्वाइनिंग मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। अच्छा, तो ये तो काफी मतलब काफी खतरनाक चीज है। बिल्कुल मिल सकती है, पर MP और छत्तीसगढ़ जोन में 3 प्रिंसिपल कमिश्नर्स के ऑफिसर्स हैं, मतलब ये इस तरह से बटा हुआ है, एक तो हेडक्वार्टर में बैठते हैं वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर हैं, फिर 2 चीफ कमिश्नर्स और हैं, एक का ज्यूरिसडिक्शन है वो छत्तीसगढ़ का जो रायपुर में बैठते हैं, और दूसरे चीफ कमिश्नर हैं जो इंदौर में बैठते हैं, तो ये MP and CG जोन भी आगे जा करके चीफ कमिश्नर्स के 3 जोन में बटा हुआ है, और उनमें चीफ कमिश्नर्स के अंडर होते हैं प्रिंसिपल कमिश्नर्स, तो उसमें से इनिशियली जब इंस्पेक्टर्स को किसी एक CC के अंडर में रखा जाता है चीफ कमिश्नर इज कॉल्ड CC, तो वो फिर अपने इंस्पेक्टर वाला ज्यादातर टेन्योर अगर वो खुद से मांगे ना उसके बाहर, उस ज्यूरिसडिक्शन के बाहर, तो मोस्टली उसी में रहता है, तो अगर आपको एक बार रायपुर CC मिल गया है तो आप इंस्पेक्टर का पूरा टेन्योर रायपुर CC में कर लेंगे, इंदौर मिल गया है तो इंदौर CC के ज्यूरिसडिक्शन में कर लेंगे, और अगर भोपाल मिल गया है तो आप भोपाल के ज्यूरिसडिक्शन में कर लेंगे। तो रायपुर के अलावा भी और जगह मिलता होगा फिर तो शायद?
हाँ पूरा छत्तीसगढ़, जो सीसी रायपुर है उसका जुरिस्डिक्शन पूरा छत्तीसगढ़। ये तो काफी के लिए मतलब एकदम शॉक हो सकता है, बेचारा बच्चा सोच के जाएगा एमपी जाएंगे और एमपी के बजाय वो पहुंच गया है बस्तर। हाँ लेकिन इसमें ये भी है जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए स्टेट्स हैं तो वहां से जो कैंडिडेट्स आते हैं वो प्रेफरेबली वहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो उनको होम स्टेट से पास में पड़ता है। तो है। ये जो अपने यूपी यूपी साइड के लोग हैं इनके लिए ये ठीक रहता है, कम लोगों की छत्तीसगढ़ में पोस्टिंग हो पाती है। ठीक है, तो ये चीज तो आपकी समझ आ गई। ओके, तो अच्छा एक चीज और मुझे नहीं समझ आई थी, आपने बोला कि जैसे डॉजियर वहां पहुंच जाते तो क्या आपको जब हेडक्वार्टर पहुंच गया आपको पता चल गया कि आपको अब मान लीजिए इंदौर जोन आपको मिल गया है, तो क्या जिस दिन आपको इंदौर जोन मिल गया है तो क्या आपको वहां हेडक्वार्टर में ज्वाइन करवा देते हैं या पहले डिस्ट्रिक्ट डिसाइड करेंगे तब आपको ज्वाइन कराते हैं, हेडक्वार्टर में ज्वाइनिंग हो जाती है पहले? ये अलग अलग जोन्स में अलग तरीके से होता है। जो मैंने दो तरीके बताए थे कि या तो आपको हेडक्वार्टर में ज्वाइन करवा देंगे, नागपुर जोन में हमारे बैच में स्पेशली यही हुआ था, रीजन बीइंग कि वो जून में हम लोगों की ज्वाइनिंग शुरू हुई थी और जून में ज्वाइनिंग अगर हो जाती है तो जनवरी में आपको डीए आपको इंक्रीमेंट मिल जाता है 6 महीने के बाद, तो वो जुलाई ना पहुंचे ज्वाइनिंग, इस वजह से नागपुर जोन ने जून में हेडक्वार्टर में ज्वाइनिंग करवा दी, बाद में अपने जो पूरे जुरिस्डिक्शन में अलग अलग सिटीज में ट्रांसफर कर दिए लोगों के। लेकिन हमारे जोन में एमपीएनसीजी जोन में हमेशा से ऐसा रहा है, हमारे बैच में भी था आगे भी यही है कि डोजियर्स जब एचआरडी न्यू दिल्ली इनकम टैक्स से आते हैं इनके पास प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर भोपाल, तो ये फिर फर्दर जो भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा तो वो पहले प्लेस ऑफ पोस्टिंग करते हैं, फिर उस कंसर्न जोन में आपका डोजियर भेज दिया जाता है और फिर जिस सेक्शन में आपकी ज्वाइनिंग होनी है उस सेक्शन का जो भी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है उसके ऑफिस से ज्वाइनिंग लेटर इशू होता है। तो मतलब दोनों ही तरीके चलते हैं, कुछ लोग हेडक्वार्टर में ज्वाइन करा देते हैं, तो फिर वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट कहाँ के जोन पे, तो आप जोन पे डिपेंड करता है। आप बेसिकली नागपुर जोन में हो? मैं एमपीएनसीजी जोन में हूं। नहीं एमपीएनसीजी जोन में, बट आप नागपुर में भी बोल रहे थे, नागपुर सीसी के अंदर हो शायद? नागपुर जोन में डायरेक्ट हेडक्वार्टर्स में ज्वाइनिंग करवा दी थी। आप ये बता रहे थे नागपुर, वो जो मैंने पहले तरीके का बताया था ज्वाइनिंग का प्रोसेस, that was followed in Nagpur joining serial 2016 batch. समझ गया। तो basically ये तो पूरा joining process हो गया, I think हमने detail में बात कर ली। ठीक है, once you get posted, तो फिर क्या process होता है? Training कब शुरू होती है? क्या होता है training में? क्या uniform post है ये आपकी? क्या कभी gun वगैरह मिलती है training वगैरह में? Gun वगैरह का प्रशिक्षण भी देते हैं क्योंकि raid वेड पे जाना रहता है, तो क्या कुछ रहता है उसके बाद का process? How is life after joining? अमन जी, यूनिफॉर्म और गन्स का इस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर्स को कोई काम नहीं, इनफैक्ट डिपार्टमेंट के किसी भी पर्सन को यूनिफॉर्म और गन नहीं मिलती है। जब भी कभी हमें रेड में जाना होता है, हमें सिक्योरिटी एस्पेक्ट से अगर कुछ चाहिए होता है तो हम रिक्विजिशन डालते हैं लोकल पुलिस को, तो पुलिस से हमें वो रिक्वायर्ड मैन पावर मिलता है प्रोटेक्शन के लिए, तो हमें गन की और यूनिफॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि जब हम इन्वेस्टिगेशन विंग में पोस्टेड होते हैं या फिर असेसमेंट में पोस्टिंग होती है हमारी, तो सर्च और सर्वे जो रेड है उसे टेक्निकली हम सर्च बोलते हैं, तो सर्च और सर्वेज में कई बार हमें डिस्क्रीट इंक्वायरी भी करनी होती है, तो हमें अपनी आइडेंटिटी को छुपाना होता है, इसलिए यूनिफॉर्म का भी काम इसमें है नहीं कुछ, तो ये दो चीज़ें नहीं मिलती। अब रही बात ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग के लिए अलग अलग DTRTI हैं, डायरेक्ट टैक्सेस रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, तो ये इनका जुरिस्डिक्शन किसी किसी DTRTI का 2-3 जोन्स में है और कुछ DTRTIs एक ही जोन को करती है, तो DTRTIs 10 हैं और जोन हमारे करीब 22-24 हैं, तो उस हिसाब से DTRTIs में ट्रेनिंग होती है, तो वो एक बैच अलोकेट करते हैं अपनी स्ट्रेंथ का 30-40 के बीच में, 30-40 स्टूडेंट्स के बीच में, तो वो कभी कभी एक ही बैच से इतने इंस्पेक्टर्स होते हैं तो वो उस पर्टिकुलर बैच का एक ट्रेनिंग कोर्स शुरू करवा देते हैं। इंस्पेक्टर्स का जो डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग अलग होती है और प्रमोटेड इंस्पेक्टर्स की अलग होती है। डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग का कोर्स का एक नाम है उड़ान, इसी नाम से हर DTRTI में डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, तो ये 60 वर्किंग डेज की ट्रेनिंग है जो लगभग 3 मंथ्स का ले लेती है टाइम, क्योंकि एक मंथ में वर्किंग डेज 20-21-22 होते हैं, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का ये ट्रेनिंग कोर्स है और इसमें 40
स्टूडेंट्स के करीब होते हैं। हमारा जो DTRTI भोपाल है, MPNCG और नागपुर जोन के लिए है, उसमें 40 के करीब स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ DTRTIs का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी ये जो DTRTI भोपाल है ये न्यूली डेवलप्ड है, अभी इनकी खुद की बिल्डिंग नहीं है तो खुद का हॉस्टल भी नहीं है, इस वजह से थोड़ा एक बैच में कम इंस्पेक्टर्स को ये अकोमोडेट कर पाते हैं। पर जो चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ ये पुराने DTRTIs हैं, यहाँ बैचेस में ज़्यादा इंस्पेक्टर्स भी हो सकते हैं। और इंस्पेक्टर्स का जितना भी काम है अलग अलग सेक्शंस में, लेट इट बी असेसमेंट यूनिट और नॉन असेसमेंट यूनिट, अभी रिसेंटली जो ई असेसमेंट प्रोसेस शुरू हुआ है तो उनमें भी अब असेसमेंट भी दो तरह की पोस्टिंग असेसमेंट में भी है, फिर ऑडिट होता है अलग से, इंटरनल ऑडिट वो भी होता है, विंग में भी पोस्टिंग होती है, तो सारा कुछ इनकम टैक्स एक्ट साथ में टैक्ट जो भी हमें इस जॉब प्रोफाइल के लिए रिक्वायर्ड होता है वो, और जो CCS कंडक्ट रूल्स हैं सबको शामिल करते हुए 60 वर्किंग डेज का एक पूरा कोर्स होता है जिसमें लगभग सारी चीजें कवर्ड करके पढ़ाई जाती है। Okay, that looks like a very exhaustive training program. तो क्या जॉइनिंग के तुरंत बाद ही ट्रेनिंग होती है, मतलब कभी भी होती है? जैसे मेरे ऑडिटर में तो ये होता था कि कई बार शुरू में हो जाती है, कई बार वो अगले साल भी हो सकता हो रही हो, तो क्या ऐसा होता है? ये इस डिपार्टमेंट में भी है, डिपेंड करता है कि अगर रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ नहीं हो पाई DTRTI के पास, तो चूंकि ये उनका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और 60 वर्किंग डेज लगातार चलता है, तो उसमें काफी जो इंस्ट्रक्टर्स को हायर करते हैं उनको पेमेंट भी करना होता है पर सेशन, वो डिपार्टमेंटल भी हो सकते हैं, आउटसाइड फैकल्टी भी होती है तो फैकल्टी का भी देखना होता है, फिर लगातार कोर्सेज चलते हैं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी एक्सपेंडिचर आता है इस वजह से। और जो इंस्पेक्टर्स आते हैं आउटसाइड द सिटी, उनको TADA भी देना होता है, तो एक कोर्स को कराने में काफ़ी एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, तो DTRTIs ये कोशिश करती हैं कि एक उनका प्रॉपर बैच का स्ट्रेंथ हो, 40 के करीब का, 35-40 स्टूडेंट्स होते हैं तो वो करा देते हैं, अगर इतने स्टूडेंट्स नहीं हो पा रहे हैं तो वो अगले बैच के ज्वाइनिंग का इंतजार करता है। जब नेक्स्ट बैच में ज्वाइनिंग के बाद में स्ट्रेंथ बढ़ती है तो फिर उनको अकोमोडेट करते हुए ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपकी शुरू में ही हो जाएगी, हो सकता है आपको 2-4-6 महीने वेट करना पड़े या 1 साल वेट करना पड़े, बट एक बार ट्रेनिंग होती जरूर है। और डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा रिलक्टेंट रहता है अपने भेजने के लिए कि हमारे यहाँ काम कौन करेगा वो, क्योंकि एक बार उन्हें आदत पड़ जाती है तो फिर वो जल्दी भेजते नहीं है। तो ये तो खैर, ये तो चीजें हमने जान ली ट्रेनिंग के बारे में। आपने 2-3 टर्म्स यूज किए, उनका मतलब आप बताइए। आपने कहा एक तो इन्वेस्टिगेटिव पोस्टिंग होती है, एक होता है असेसमेंट, एक नॉन असेसमेंट, ये तीनों चीजें क्या है, मतलब क्या क्या है ये, इसमें क्या मतलब ये पूरे टर्म्स क्या है? ये दो तरह से पोस्टिंग्स को डिवाइड करते हैं, एक होती है असेसमेंट यूनिट्स में पोस्टिंग, दूसरी होती है नॉन असेसमेंट यूनिट्स में पोस्टिंग। असेसमेंट में उन लोगों वो पोस्ट हैं जो जब हम ITR फाइल करते हैं तो उसके बाद में जो केसेस को कास्ट से सिलेक्ट करके स्क्रूटनी करनी होती है वो जुरिस्डिक्शनल AO के पास में सिलेक्ट होकर के उनके ITBA, हमारा जो इनकम टैक्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये अपना अलग सर्वर है तो उसमें वो रिफ्लेक्ट होते हैं ITBA पे केसेस जुरिस्डिक्शनल असेसमेंट ऑफिसर के पास में। तो उसमें जिनकी पोस्टिंग होती है ऐसे स्क्रूटनी वाले सेक्शंस में, वो असेसमेंट पोस्टिंग कही जाती है। नॉन असेसमेंट पोस्टिंग होती है जो बाकी इस मेन स्ट्रीम असेसमेंट के काम के अलावा जो भी काम होता है, उसमें से एक है इन्वेस्टिगेशन विंग। इन्वेस्टिगेशन विंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्चेज ऑन। अभी कोविड के बाद में द पावर ऑफ कंडक्टिंग सर्वे ऑपरेशंस इज आल्सो गिवन टू इन्वेस्टिगेशन विंग। तो अभी सर्च और सर्वेज, सर्वे ऑपरेशंस क्या होते हैं? सर्च और सर्वे ऑपरेशंस बाहर से देखने में एक जैसे ही होते हैं, पर सर्चेज होती हैं जो रेजिडेंशियल प्रमाइसिस पर भी हो सकती हैं और सर्वेज होते हैं जो सिर्फ बिजनेस प्रमाइसिस पर होते हैं। बेसिकली वही बस टर्म्स का डिफरेंस है हम लोगों के लिए, एक वो टेक्निकल टर्म है, बाकी वो एक जैसी प्रोसीडिंग्स हैं। तो ये दोनों एक्शंस इन्वेस्टिगेशन विंग करते हैं, उनका वो एक ही काम है। बाकी जो और एडमिनिस्ट्रेशन के देखने के लिए CIT एडमिन होता है, उसके अंडर स्टाफ पोस्टेड होता है, ऑडिट के लिए CIT ऑडिट होता है, उसके अंडर स्टाफ पोस्टेड होता है, और जो भी असेसमेंट हम करते हैं तो हमारी फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी है CIT अपील।
तो सीआईटी अपील के अंडर भी पूरा पोस्टिंग होती है सबकी, उनके अंडर असिस्टेंट कमिश्नर भी होते हैं, डिप्टी कमिश्नर होते हैं, फिर इंस्पेक्टर्स होते हैं, फिर अदर स्टाफ होता है, टीए, सीनियर टीए और स्टैनर्स। तो ये पोस्टिंग इस दो तरह से जाती है। अभी फर्दर जो असेसमेंट पोस्टिंग है उसको भी दो दो तरह से क्लासिफाई कर दिया गया है। असेसमेंट में कुछ लोग हैं जो नेशनल ई असेसमेंट के अंडर पोस्टेड हैं, नेशनल ई असेसमेंट के अंडर होते हैं रीजनल ई असेसमेंट सेंटर्स, तो उनमें आईटीओज और एसीडीसी होते हैं और उनका इंस्पेक्टर और स्टाफ होता है। और दूसरा है, अब उसको बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शनल एओ, ज्यूरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर। ज्यूरिसडिक्शनल एओ के अंडर में भी सेम है, इंस्पेक्टर्स होते हैं और उनका स्टाफ होता है। ठीक है, ये कुछ। पर अब जो मेन असेसमेंट का काम है वो रीजनल ई असेसमेंट के पास है। प्रेजेंटली आई एम पोस्टेड अंडर इनकम टैक्स ऑफिसर वन खंडवा, विच इज अ ज्यूरिसडिक्शनल एओ पोस्ट। अब मुझे असेसमेंट से रिलेटेड मेन स्ट्रीम का वर्क नहीं करना है, असेसमेंट होगा किसी रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में, वहां से हमारे पास रिकॉर्ड आएगा और उसकी रिकवरी और कलेक्शन का काम मैं करूंगा और उनकी पेनल्टीज देखने का काम हम करेंगे। ओके, वी गॉट इट। ओके, सो एक तो ये चीजें होगी। अच्छा, क्या मतलब दो ही होते हैं क्या, अगर किसी ने इनकम टैक्स भरना तो या दो में ही जाएगा, तो असेसमेंट में जाएगा या नॉन असेसमेंट में जाएगा, एडमिन वगैरह में नहीं जाते हैं? नॉन असेसमेंट में वो सारी पोस्टिंग आती है, मैंने बताया एडमिन भी नॉन असेसमेंट में है, ऑडिट है, सीआईटी अपील है, और कुछ तो होते हैं जो प्योर एडमिन के, कई सारे और फर्दर सेक्शंस हैं, तो वो सारे नॉन असेसमेंट में ही काउंट होते हैं। एक तो ये कि अच्छा, आप मान लीजिए सीईटी और खंडवा में आ गए, आप क्या अब लाइफ टाइम खंडवा में ही रहेंगे या आप कभी कानपुर भी आ सकते हैं? अभी रिसेंट में लास्ट ईयर 2020 से जो इंट्रा जोन सिलेक्शंस होते, इंट्रा जोन ट्रांसफर्स होते थे आईसीटी, उनको टेम्परेरली विदहोल्ड किया गया है। तो अगर ये दो चार सालों में खुलते हैं या कोई नई पॉलिसी आती है ट्रांसफर की तो हो सकते हैं, अदरवाइज इंस्पेक्टर्स में आपने इंस्पेक्टर और जिसका फर्स्ट प्रमोशन होता है इनकम टैक्स ऑफिसर का, उसमें आप जिस जोन में पोस्टेड हैं उसी जोन में रहते हैं। और फिर जो सेकेंड प्रमोशन है असिस्टेंट कमिश्नर का, उसमें फिर उस जोन से आप बाहर जा सकते हैं। बेसिकली आप अभी जोन वही रहेगा आपका, हो सकता है खंडवा से अभी जोन वही रहेगा। जी, विद इन जोन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मेरी पोस्टिंग होती रहेगी, पर मेरा जोन यही रहेगा। ये सिटीज बदलते हैं फ्रीक्वेंटली या नहीं होते हैं, मतलब नॉर्मली जल्दी नहीं बदलते हैं? बदलते हैं, इनका टेन्योर होता है असेसमेंट में, आप 3 साल पोस्टिंग रहते हैं, उसके बाद में आप लायबल हैं नॉन असेसमेंट में जाने के लिए, और नॉन असेसमेंट से 3 साल के बाद आप असेसमेंट में आने के लिए लायबल हैं। हर साल एक बार एजीटी आता है, एनुअल ग्रांट ट्रांसफर के लिए एक प्रोफार्मा आता है, उसमें आप अपनी चॉइस का सिटी भर करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वहाँ वैकेंसी है तो कंसीडर करके दे दिया जाता है। ओके, तो आपने प्रमोशन की बात की, तो अब ये बता दीजिए कि कैसे प्रमोशन होता है, आईटीआई से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से इनकम टैक्स ऑफिसर कैसे बनते हैं, फिर उसके आगे प्रमोशन क्या है, कितने टाइम बाद होता है, क्या एग्जाम देना होता है? इंस्पेक्टर्स जो डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स ज्वाइन करते हैं उनको पहले कंफर्मेटरी एग्जाम पास करना होता है, 4 एग्जाम्स होते हैं इंस्पेक्टर के लिए, फिर आईटीओ प्रमोशन के लिए एग्जाम्स होते हैं 4। जो कैंडिडेट्स वो ये एग्जाम्स पास कर लेते हैं आईटीओ प्रमोशंस के लिए वो एलिजिबल हैं प्रमोशंस के लिए। फिर हर ईयर में फाइनेंशियल ईयर में कुछ वैकेंसीज रिपोर्ट होती हैं, तो वो वैकेंसीज जिस कैटेगरी के हैं उसमें ग्रेडिंग लिस्ट बनी हुई है जिन इंस्पेक्टर्स ने आईटीओ प्रमोशन एग्जाम पास किया हुआ है, उस ग्रेडिंग लिस्ट में जो उस कैटेगरी का पहले नंबर पे है उसको वैकेंसी दे दी जाती है और वो प्रमोट हो जाते हैं। ये जोन टू जोन डिफर करता है टाइमिंग, किसी जोन में 3 से 4 सालों में आईटीओ प्रमोशन हो जाता है, और कुछ जोन्स में 6 से 8 साल लगते हैं और कुछ जोन्स में ज्यादा टाइम भी लगता है। ओके, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छा, एग्जाम आप तुरंत दे सकते हैं, जैसे आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए उसके कितने टाइम बाद वो एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं? द वेरी सेम ईयर जब भी वैकेंसीज आती हैं, मोस्टली जुलाई में होता है, अभी कोविड में 2 साल से थोड़ा डिलेड है, अदरवाइज जुलाई के फर्स्ट फोर्टनाइट में ये एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, उससे 1 से 1.5 महीने पहले फॉर्म आ जाते हैं, तो ज्वाइन करने के बाद आप कभी भी फॉर्म आते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं और इंस्पेक्टर्स के एग्जाम देने के नेक्स्ट ईयर आप आईटीओ एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप 1 साल बाद आप दे सकते हैं और उसके बाद जब वैकेंसी आएगी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। जी, उसके बाद आईटीओ बन गया, कोई मान लीजिए 4-5 साल में कोई आईटीओ बन जाता है, उसके बाद कहाँ प्रमोशन होगा?
आईटीओ बनने के बाद में अगला प्रमोशन होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो अगर जो कैंडिडेट्स यूपीएससी क्लियर करके डायरेक्ट आईआरएस आते हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को शुरू करता है। और ये जो डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स हैं इनका दूसरा प्रमोशन होता है इनकम टैक्स ऑफिसर देन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसके लिए कोई अलग से एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आईटीओ बनने के बाद में आपको फिर एक नई ग्रेडिंग लिस्ट बना दी जाती है उसी सीनियोरिटी के अकॉर्डिंगली। जब भी आपके लिए वैकेंसी आपकी कैटेगरी में आती है आप इनकम टैक्स ऑफिसर से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के लिए प्रमोट करते हैं। वो डिपेंड करेगा वैकेंसी पे और जनरली शायद 6-7-8 साल का होगा वो। जी जी ग्रेडिंग लिस्ट दस साल का करीब टाइम है ये। 10 साल का करीब टाइम आईटीओ से एसी आईटी बनने में 10 साल का करीब टाइम लगता है। आप जो ग्रेडिंग लिस्ट बता रहे हैं वो सीनियरिटी के आधार पे है मतलब इस? जी जी बिल्कुल। और 10 साल के बाद एसीटी मतलब असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एसीआईटी, उसके बाद क्या बनेंगे? फिर 4 साल के बाद में डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर 4 साल के बाद ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर 4 साल के बाद में एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर 4 साल के करीब 4 साल के बाद ये फिक्स नहीं है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। फिर हायरार्की में आता है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, फिर आते हैं सीबीडीटी मेंबर्स और फिर सीबीडीटी चेयरमैन। ओके, काफी हायरार्की ऊंची है, ठीक है। लेकिन मतलब मेरे हिसाब से व्यक्ति जॉइंट कमिश्नर तक शायद पहुंच जाता होगा जिसने जल्दी ज्वाइन कर लिया। जो डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स हैं वो इजीली जॉइंट और एडिशनल कमिश्नर तक पहुंच जाते हैं। जिसने थोड़ी ज्यादा एज में ज्वाइन किया है वो कभी कभी ज्वाइंट कमिश्नर ही बन पाते हैं या शायद डिप्टी कमिश्नर से। पर अगर आप 25 साल की एज में ज्वाइन कर लेते हैं तो आप आसानी से एडिशनल कमिश्नर तो बनेंगे ही और हो सकता है कि कमिश्नर भी बन जाए। तो एसीआईटी के बाद एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप जब असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं तो आपको आईआरएस कैडर भी दिया जाता है, बैच और कैडर दिया जाता है। जो सबसे ज्यादा बाहर से बहुत अट्रैक्टिव लगता है वो है रेट। क्या है रेट, मतलब कैसे होती है रेट, और क्या मतलब जैसे अजय देवगन की रेट फिल्म हमने देखी है तो क्या वो कितनी सच है, क्या बिल्कुल वैसे ही रेट होती है, मतलब वैसे ही भौकाल टाइप होता है या वैसा आप कुछ नहीं रहा है या क्या सिस्टम? जो उसमें प्रोसेस दिखाया गया है वो तो ऑलमोस्ट सेम होता है, पर बॉलीवुड है थोड़ी सिनेमेटिक फ्रीडम है उनके पास में, और चूंकि ये स्टोरी भी काफी पुरानी है तो उस टाइम पे शायद ऐसा ही कुछ कुछ होता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी टेक्नोलॉजी भी स्ट्रांग हुई है और अब लोग उतना कैश घरों में छुपा कर नहीं रखते हैं, ज्वेलरी घरों में छुपी नहीं होती, तो अभी क्या है हम डेटा और डॉक्यूमेंट्स पे फोकस्ड होते हैं ज्यादा। कैश भी मिलता है पर वैसे नहीं मिलता कि छत को तोड़ा तो उससे कैश निकल रहा है, किसी पिलर को तोड़ा उससे निकल रहा है, सोफे फाड़ दिए तो उससे भी कैश ही निकल रहा है, वो अब नहीं होता। बट ऑलमोस्ट प्रोसीजर वैसे ही होता है, इन्वेस्टिगेशन विंग इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सर्च ऑपरेशंस। वहाँ पर जो भी स्टाफ है, जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो पहले केस डेवलप करते हैं, कहीं से कोई क्लू मिलता है या वो खुद से देखते हैं, और अगर डॉक्यूमेंटेशन में असेसमेंट करते हुए उनको कोई एक केस दिखता है तो फिर वो उन केसेस पे और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी होती है, कई बार ओपन इंक्वायरी या डिस्क्रीट इंक्वायरी होती है जो इंस्पेक्टर का ही काम। किसी भी तरह की इंक्वायरी होगी, इधर इट बी डिस्क्रीट इंक्वायरी और ओपन इंक्वायरी, इंस्पेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग दैट। तो वो लेकर के फैक्ट्स आएंगे, फिर ITBA का भी हम सपोर्ट लेते हैं। ITBA में अगर ये जो कंपनीज और फर्म होती हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट होती है, हम उससे देखते हैं कि वो उसमें कितना डिस्क्लोजर कर रहे हैं, अगर इंडिविजुअल है तो उसका ITR देखते हैं कितना डिस्क्लोजर है, ITR है भी या नहीं। अगर ये भी एक बड़ा पॉइंट है, अगर ITR नहीं है तो फिर ये बहुत ही अच्छा केस, स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि ITR फाइल नहीं कर रहा है बट फिजिकली वहाँ पर दिख रहा है कि इनका बिजनेस चल रहा है या इनकम है। तो इन सारे फैक्ट्स को एक साथ टेबल पे रख करके फिर एक केस डेवलप करते हैं, उसका एक सेटिस्फैक्शन नोट बनाते हैं, और उस सेटिस्फैक्शन नोट को हमारा जो ऑथराइजिंग ऑफिसर है
वो उसे ऑथोराइज करता है। पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर के पास होती थी, आजकल ये कमिश्नर्स को दे दी गई है। वो सेटिस्फैक्शन नोट्स साइन करते हैं, उसके बाद में एक डेट डिसाइड की जाती है, उसका टाइम डिसाइड किया जाता है कि स्ट्राइक का पॉइंट क्या होगा, और फिर जितने प्रिमाइसेस होते हैं उसमें कितना मैन पावर लगेगा ये इन्वेस्टिगेशन विंग की जो टीम है वो डिसाइड करती है। टीम को ले करके जाते हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन विंग के पास उतना मैन पावर नहीं है तो वो अपने किसी और सेक्शन से मैन पावर को मांग लेते हैं। फिर प्रोटेक्शन के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से पुलिस की रिक्वेजिशन डाली जाती है, और अलग अलग प्रिमाइसेस में एक साथ एक ही टाइम पर, एक ही दिन एक ही टाइम पर सम सर्च ऑपरेशंस को कंडक्ट करना शुरू करता है। साउंड्स कूल, वेरी, दैट साउंड्स वेरी कूल। ओके, सो आप जब जाते हैं तो क्या मतलब जो टीए होते हैं क्या वो भी सर्च में जाते हैं या सिर्फ इनकम टैक्स ही जाते हैं, और हाईएस्ट अथॉरिटी कौन जाता है सर्च में? टीएस जाते हैं, कोई भी परमानेंट स्टाफ है वो जा सकता है, जाते हैं, इंस्पेक्टर्स भी जाते हैं, टीए भी, पर टीएस और सीनियर टीएस थोड़े कम जाते हैं, इंस्पेक्टर्स ज्यादा जाते हैं। हाईएस्ट अथॉरिटी होता है कोई डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग में होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, वो कंडक्ट करा रहे होते हैं, और उनके जो बॉस होते हैं जो ऑथराइजेशन को साइन करते हैं, पहले ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर होते थे। अच्छा, ज्वाइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर का जो वर्क प्रोफाइल है वो एक जैसा है, सिर्फ प्रमोट होकर के वो एडिशनल बन जाते हैं, काम वही करते हैं। तो वो पहले जाते थे, तो वो बीच में इन्वेस्टिगेशन के पीरियड के बीच में वो जा करके मॉनिटर करते थे सर्च और सर्वे ऑपरेशंस को। अभी ये कमिश्नर हो गए हैं तो वो भी जा सकता है, जो भी ऑथराइजेशन को साइन करेगा वो उस ऑपरेशन के बीच में मॉनिटरिंग के लिए जाता है। ओके, सो अच्छा, आप जब ज्वाइन करते हैं तो आप 4600 ग्रेड पे ज्वाइन करते हैं, राइट? जी। तो कितनी सैलरी लगभग बनती है बेसिकली अगर कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन करता है? ये 2 साल पहले तक अगर ग्रुप एक्स सिटी है तो 65,000 के करीब बनती थी ग्रॉस, अगर ग्रुप वाई सिटी है तो 60,000 के करीब ग्रॉस थी। जेड सिटीज में थोड़ा सा कम हो जाता है। एक्स सिटी और वाई, एक्स वाई और जेड तीन तरह की सिटीज होती हैं जिनमें एचआरए डिफरेंट होता है और टीपीटी जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है वो डिफरेंट होता है। एचआरए एक्स सिटीज में 24% है, वाई में 16% एंड जेड सिटीज में 8% 8% ऑफ बेसिक। बेसिकली ये एक्स वाई जेड टीपीटी डिवाइड कर रखे हैं सिटीज को, कैटेगरी ऑफ सिटीज हैं। जो मेट्रो सिटीज हैं इंडिया के 4 वो एक्स में है, और बाकी जो बड़े सिटीज हैं वो वाई में है, और छोटे छोटे सिटीज जेड में है। खंडवा जेड सिटी है। जेड टू जेड, ओके, ठीक है। तो वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है, हमने इसके बारे में भी बात कर ली। तो अगर अच्छा मान लीजिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपने पोस्ट चूज करी, तो आपको क्या लगता है दिस इज द बेस्ट पोस्ट? बिकॉज मतलब दो पोस्ट जो सबसे ज्यादा लुक्रेटिव है जिसके बारे में मैंने सबसे ज्यादा सुना है अपने पढ़ाने के करियर में, वो दो पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा बच्चे मतलब ज्यादा चाह रखते हैं, एक तो एमईए हो गया, दूसरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो इज इट रियली अ बेस्ट पोस्ट और इट इज हाईली ओवररेटेड? नहीं, अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है, एक्सपोजर भी काफी अच्छा है। एमईए का बेस्ट पार्ट है कि आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलती है, तो आप अलग अलग कंट्रीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो नो डाउट वो तो बेस्ट पोस्ट है ही सीजीएल की। उसके बाद में अगर बात करें तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इज अ वेरी गुड ऑप्शन, एक्सपोजर काफी अच्छा है आपको। अगर असेसमेंट में पोस्टिंग मिलती है या विंग में मिलती है तो अलग अलग आपको चॉइस के हिसाब से आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है। अगर आपका डेस्क वर्क में इंटरेस्ट है तो आप नॉन असेसमेंट में काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। अगर आपको फील्ड जॉब का इंटरेस्ट है तो आप इन्वेस्टिगेशन विंग में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपके अंदर का अगर कोई डिटेक्टिव है तो उसे जिंदा कर लीजिए, इन्वेस्टिगेशन विंग में बहुत काम आएगा। असेसमेंट में है, असेसमेंट यूनिट्स में आपको फील्ड वर्क भी करना होता है और डेस्क वर्क भी करना होता है, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। मुझे लगता है हर तरह का इंडिविजुअल इस पोस्ट में आकर के सेटिस्फैक्टरी काम कर सकता है और एक्सप्लोर करने का भी मिलता है, क्योंकि ज्यादातर डीलिंग अच्छे लोगों के साथ होती है। एक भैया मेरा पर्सनल डाउट था, मुझे ये नहीं समझ आता कि ठीक है आपने जो चीजें बताई वो सारी, बट जब मैं एक्साइज वाले कैंडिडेट से बात करता हूँ जो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट पे है,
ऑलमोस्ट सेम काम वो भी कर रहा है, मतलब लगभग मैं जो वर्क प्रोफाइल में मुझे कोई खास डिफरेंस नहीं दिखता है, और मतलब लगभग सब कुछ सेम ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। इवन उसके पास एक मतलब देखा जाए तो सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से देखा जाए तो एक वो चीज है, उसके पास यूनिफॉर्म है। तो क्या मतलब फिर क्यों एक्साइज, ये इनकम टैक्स बेटर कैसे हुई एक्साइज से? जिससे यूनिफॉर्म पसंद है उसके लिए तो ऑब्वियसली इनकम टैक्स कम अच्छा होगा, यूनिफॉर्म है आपको, वो तो ठीक है, बट एम्बलम आप अशोक का लगा करके जाते हैं। लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये हमारा जो डायरेक्ट टैक्सेस का काम है, ये पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, इसमें हर तरह का काम करते हैं आप। और बाकी मैं पर्सनली उस जीएसटी इंस्पेक्टर कस्टम एक्साइज में मैं कभी पोस्टेड रहा नहीं हूँ, तो मैं उनके इन्स एंड आउट्स नीटी ग्रिटी को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। पर मैंने जब से ज्वाइन किया है मैं अपनी जॉब से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। इससे पहले मैं ऑडिटर भी था, ऑब्वियसली वो ग्रेड पे का भी फर्क है, वहाँ पे 2800 ग्रेड पे था, यहाँ मैं 4600 पे हूँ, तो उसका तो फर्क है ही, इस वजह से भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन है। लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक अच्छा चॉइस है, आप कंपेयर ना करें शायद मैं कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ एक ही आस्पेक्ट को जानता हूँ, पर मैं इनकम टैक्स में आने के बाद में कभी भी रिपेंट फील नहीं करता हूँ। आई एम क्वाइट हैप्पी विद माई चॉइस एंड स्पेशली विद द प्लेस ऑफ पोस्टिंग। ओके, आप ये जैसे मैं जो आज मेरा आखिरी सवाल ये था कि आप ऑडिटर भी थे, ठीक है, ऑब्वियसली ग्रेड पे का बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो 2800 ग्रेड पे है, ये 4600, वी कैन नॉट कंपेयर दिस टू, बट हाउ इज द वर्क लाइफ, मतलब दोनों के काम में कितना फर्क है और कौन बेहतर है काम के हिसाब से पूछ रहा हूँ। ऑब्वियसली मनी के हिसाब से इनकम टैक्स बेटर क्योंकि यहाँ सैलरी बेहतर है, वहाँ सैलरी बहुत कम। जी जी, ऑडिट में तो आप कितना भी प्रमोशन आपका होता जाए आपको फाइलों के साथ ही खेलना पड़ता है, तो वो उनका जो डेस्क वर्क का प्रॉपर है। आप फील्ड में भी जाते हैं, जो लोग ऑडिट के लिए जाते हैं अलग अलग यूनिट्स में जाते हैं, एक्सपोजर ऑडिट में भी बहुत ज़्यादा है, इस बात को मैं फिर से कहूँगा, क्योंकि आपको हर डिपार्टमेंट की वर्किंग कल्चर के बारे में पता चलता है, डिपार्टमेंट्स क्या काम करते हैं, उनका प्रोसीजर क्या है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो ऑडिट में आपको पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वर्किंग कल्चर है उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाता है, इस लिहाज से ऑडिट काफ़ी अच्छा है। सेकेंडली, प्रमोशन के लिए भी आप डेटा एंट्री ऑपरेटर ज्वाइन करें या ऑडिटर ज्वाइन करें, आप 3 साल का मिनिमम टाइम है, 3 साल के बाद आप एस एस एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होता है सप्लीमेंट्री सबऑर्डिनेट सर्विसेज, सप्लीमेंट्री ऑडिट सबऑर्डिनेट सर्विसेज, उस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और वो 9 एग्जाम्स होते हैं, वो क्लियर करने के बाद में आपका बिना वैकेंसीज देखे हुए अगर आपके वो 9 एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर 4800 ऑफ ग्रेड पे ग्रुप बी गेस्टेड ऑफिसर के लिए प्रमोशन मिल जाए। तो प्रमोशंस उसमें काफ़ी अच्छे हैं, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर को भी ऑडिटर सीनियर ऑडिटर बनने के बाद जाने की जरूरत नहीं है, ऑडिटर्स को भी अगर आप एग्जाम्स क्लियर करते हैं तो आपको सीनियर ऑडिटर बनने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट WO बन सकते हैं। तो उस इन दो चीज़ों से काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, लेकिन वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ हमेशा फाइलों पे ही मेहनत करनी होती है, लोगों के किए हुए काम में कमियाँ निकालते रहें आप। आपको खुद से अगर कुछ अलग करना है तो इस डिपार्टमेंट में आइए, हर केस नया है, हर केस में कुछ नए तरह की टेक्निकलिटीज आती हैं, आपको हर साल कुछ नया सीखने को मिलता है और सीखना पड़ता है। बेसिकली बहुत कुछ करने इस पोस्ट में थोड़ा एडवेंचर है, एडवेंचर है उसका एक उसमें एक ही पैटर्न ऑफ वर्किंग है जो हमेशा आपको पूरी लाइफ पे ही फॉलो करते हैं। अच्छा, एक चीज और था ये कि आपके जो ऑफिसर्स होते हैं, क्या मतलब सारे ऑफिसर्स बढ़िया हैं आपकी, कुछ ऑफिसर्स अभी भी उतना अच्छे हालत में नहीं होते हैं, जैसे सरकारी फिल्मों में दिखाते हैं ना सरकारी दफ्तर बढ़िया नहीं होते हैं, तो वैसे मुझे तो पता है मैंने काम किया है, बट आप एक बार होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी एडवांस है, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल मुझे लगता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा आम करता है। आज के टाइम पे भी असेसमेंट पूरी तरह से अब ई असेसमेंट में कन्वर्ट हो गया है, फेसलेस है, आपको कभी भी कहीं पे भी कस्टमर डीलिंग नहीं करनी है, सारा कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन सबमिशन होता है, ऑनलाइन नोटिस जनरेट होता है। ऑफिसेस की भी स्थिति जो मैंने देखा है बाकी डिपार्टमेंट से सबसे अच्छे होते हैं, आपको पूरी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मोस्टली ऑफिसेस में एसीज़ काम कर रहे हैं, आप बढ़िया टेम्परेचर पे अच्छे से काम कर सकते हैं,
और क्योंकि रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट तो नहीं है, रेवेन्यू कलेक्टिंग डिपार्टमेंट है, पर इस अभी इस फेसलेस से पहले क्योंकि टैक्स पेयर्स भी आते थे, तो टैक्स पेयर्स को हम अच्छी फैसिलिटीज देने की पूरी कोशिश करते रहे। इस वजह से भी हमारे डिपार्टमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है। दो चीजें और थी कि क्या आपको छुट्टी कैसे मिल जाती है, मतलब छुट्टी कैसे मिलती है और कितनी छुट्टी मिल जाती है, मतलब छुट्टी लेना क्या मुश्किल होता है, और क्या कभी सैटरडे संडे को बुलाते हैं, आपका ऑफिस टाइम क्या होता है ये सब। सी, अगर मैं छुट्टियों की बात करूं तो जो नंबर ऑफ लीव हैं वो 8 CL और 30 EL होती हैं, अर्न लीव। 15 अर्न लीव क्रेडिट होती हैं ऑन 1st of January एंड अदर 15 वो 1st of July को, जो कि बाकी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में यही सेम है। 2 RH होती हैं साल की, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज, जिन्हें आप कभी भी वेस्टेड हॉलीडेज में कन्वर्ट करवा करके वेस्टेड हॉलीडेज की तरह आप ले सकते हैं। तो ये तो सेम है, बाकी रहा छुट्टियां मिलती इजली हैं या कैसे मिलती हैं, तो जो आपका इमीडिएट बॉस है वो सैंक्शन करके आपके जॉइंट और एडिशनल कमिश्नर के पास में भेजता है, फाइनली वो अप्रूव करता है। मोस्टली मिल जाती हैं, लेकिन जब टाइम बारिंग सेशन, जब टाइम बारिंग चल रहा होता है किसी भी तरह का, अगर असेसमेंट का टाइम बारिंग है उस समय पर छुट्टियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अगर पेनल्टी का टाइम बारिंग है तो उस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो ये चीज़ें कभी कभी हमें फेस करनी पड़ती हैं। अदर देन दैट हमें आराम से छुट्टियाँ मिल जाती हैं, हमारा जो भी हम जिस पोस्ट पे हैं उसका किसी सेम पोस्ट वाले इंडिविजुअल पर चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, अगर उस टाइम पे कोई इमरजेंसी काम आता है तो द नेक्स्ट इंडिविजुअल हु इज होल्डिंग योर चार्ज विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ दैट वर्क। तो मोस्टली मिल जाती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। सैटरडे संडेज वर्किंग की जहाँ तक बात है तो वो भी वही है, टाइम बारिंग जो मैंने बताई, अगर पेनल्टी टाइम बारिंग है, असेसमेंट टाइम बारिंग है, उस टाइम पे कभी कभी बोर्ड से ही डायरेक्शंस आ जाते हैं कि इस टाइम स्पेन के बीच में कोई भी गेस्ट हॉलीडे या सैटरडे संडे होगा तो उस दिन वर्किंग होगी, तो फिर हमें वो करना पड़ता है। अदरवाइज 5 day वीक सैटरडे संडे ऑफ। ऑफिस टाइम क्या रहता है? सुबह 9:30 to 6 और वही रहता होगा कि अगर वर्कलोड है तो शायद कभी टाइम से ज्यादा काम करना पड़ता होगा अदरवाइज। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी भी एफिशिएंसी पर है कि अगर आप उस जो ऑफिस टाइमिंग है उसमें आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कभी बैठने की जरूरत नहीं, अगर आप उसके बाद ही करना पसंद करते हैं तो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो कंपनसेटरी लीव मिलती है क्या जो आप जब सैटरडे संडे को आते हैं? तो ये हमारे डिपार्टमेंट में नहीं, आप ऑडिट में होती थी, ऑडिट में मुझे भी मिली है एक दो बार, पर इसमें नहीं होती। अगर बोर्ड का डायरेक्शन है आपको सैटरडे संडे आना है तो कोई कंपनसेटरी लीव नहीं है। कंपनसेटरी लीव देखिए क्या होता है, जैसे अगर सैटरडे संडे को ऑफिस आना है तो उसके लिए 2 छुट्टी एक्स्ट्रा मिलती है आपको, मेरे यहाँ होता था। जी जी, नहीं होता, ठीक है। ऑडिट में होता था, मैंने भी ली है, पर इस डिपार्टमेंट में मैंने कभी ना ली ना सुना है। वर्कलोड कैसा होता है? वर्कलोड काम बहुत होता है या नॉर्मल है? वर्कलोड इतना बहुत ज्यादा नहीं होता, जब टाइम बारिंग है तो ऑब्वियसली आपको पहले से पता होता है कि उस मंथ में लास्ट डेट को टाइम बारिंग है, तो आपको अपना जो वर्कलोड है उसको उस हिसाब से मैनेज कर लेते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं आता। इनफैक्ट इतने कम टाइम में मैंने भी एक असेसमेंट में पोस्टिंग देखी है, और हमारा टाइम बारिंग 31 December था और हमने 27 December को अपना असेसमेंट का सारा काम खत्म कर लिया था, तो नो सच इशूज। हाँ, आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, कई बार आपको बियॉन्ड वर्किंग आवर्स भी काम करना पड़ता है, सो दैट लास्ट मंथ में आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते। तो क्या मतलब अगर कोई कोई कैंडिडेट अगर तैयारी करना चाहता है, मान लीजिए वो UPSC या किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो कर सकता है इस पोस्ट पे या नहीं? कर सकता है, टाइम होता है, कुछ महीने होते हैं जब थोड़ा ज्यादा काम होता है, अदर देन दैट बढ़िया है, कर सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। यहाँ पढ़ने वालों को कोई नहीं रोकता, काम करने वालों को ऑफ देयर पोस्ट वो काम कर सकते, अगर आप तो काम करना चाहते हैं तो आप काम करिए, आप पीए हैं तो भी इंस्पेक्टर का काम करिए, आप MTS हैं तो भी इंस्पेक्टर का काम कर सकते हैं अगर आपको काम करना आता है। इस डिपार्टमेंट की यही खास बात है, हार्ड वर्किंग और नॉलेजेबल लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है डिपार्टमेंट, ये ऑलमोस्ट और गवर्नमेंट में है कि आप MTS हैं तब भी आप किसी भी पोस्ट का काम, मतलब ऑब्वियसली नॉट डबल ए और नॉट बहुत हायर पोस्ट का काम नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप ऑडिटर तक का पोस्ट मेरे यहाँ भी काम करते थे। जो साइनिंग अथॉरिटी है वो तो वही रहती है, उसके नीचे वाला जो काम करने वाला है वो काम कर सकता है। आप पढ़ना चाहते हैं तो डिपार्टमेंट में आपको ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, आप अपना काम कर लें उसके बाद में पढ़ाई।
बस वो हर जगह है, मुझे लगता है ये जीवन का लाइफ का भी प्रिंसिपल होना चाहिए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उन्हें पहले फुलफिल कर लें, उसके बाद में आप अगर कुछ भी कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई रोकता है। अच्छा आपको क्या कोई गवर्नमेंट क्वार्टर्स वगैरह मिलते हैं? जी मिलते हैं। आपको मिला हुआ है हर जगह पे? हाँ मोस्टली जो लोकल स्टेशन हैं, छोटे स्टेशन हैं, सिंगल ITO, तो वहाँ पर कभी कभी नहीं होता क्योंकि रेंटेड बिल्डिंग्स में भी ऑफिस चल रहे होते हैं। उसके अलावा जो भी बड़े ऑफिसेज हैं वहाँ पर, स्पेशली जो रेंज ऑफिसेज हैं जहाँ पे जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर बैठते हैं, उन जगहों पे मोस्टली मिलते हैं अकोमोडेशंस। और यहाँ खंडवा में भी मुझे मिला हुआ है, हमारे ऑफिस प्रिमाइज के पीछे हमारी इनकम टैक्स कॉलोनी है, उसमें जो भी परमानेंट स्टाफ है सबको मिले हुए हैं गवर्नमेंट अकोमोडेशंस। बढ़िया है, मतलब गवर्नमेंट तो आसानी से मिल जाता है ज़्यादातर जगह। हाँ अगर अकोमोडेशंस में खाली है क्वार्टर्स तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। All right, I think we have talked about everything and हर चीज के बारे में जान लिया है, job life, work culture, posting, promotion, salary, everything we have talked. So it was really great and great discussion with you, Chandresh Bhaiya. Thank you so much for joining me and have a great day ahead. I hope आप लोगों को income tax inspector की post के बारे में सब कुछ पता लगा होगा and अगर आपके कोई भी doubts हैं तो आप video के comment section में पूछ सकते हैं। Video को like कीजिए, subscribe कीजिए channel को and share the video. Comments में आप पूछ लीजिएगा, मैं भैया से पूछ के आपके doubts clear कर दूंगा। So thank you so much for joining. Have a good day ahead. Take care. Bye bye.